ठीक है, इस प्रकार भटकता हुआ वह गिरहकटों के मैंने वो मैंने अपनी बाण की खोज में भटकते भटकते क्या जबकतरों के चंगुल में फंस गया, वो छोटा सा बच्चा, ठीक है, जबकतरों के बदमाशों के चंगुल में फंस गया। और तब अपनी शिक्षा का आरंभ, जैसे लोग कुत्ते को दो पैरों से बैठना, गर्दन ऊंची करके खड़ा करना, मुंह पर पंजे रखकर सलाम करना आदि कर्तव्य सिखाते, उसी तरह हुए भी उसे तंबाकू, धुएं, दुर्गंध, मांस, फटे चित्रे, मानी क्या जाएगा वो क्या जाएगा बदमाशों के चक्कर में, जिबकतरों के चक्कर में पड़ गया। और उन्हें भी क्या हो जाएगा, गलत आदतें लगा दिया गया है ना, जिस तरह से मैंने वो बदमाश ने अपना तरफ से क्या हो जाएगा उनको मैंने सिखाने लगा अपने बदमाशी, ठीक है। जैसे से क्या हो जाएगा, जैसे तंबाकू धुएं आदि से भर के चिथड़े बर्तन शरीर में कमरे में बंद संकेतों को हंसने बोलने का भी परांगत बनाने लगे, उसको मतलब जिस तरह से कैसे मतलब इच्छा मांगना कैसे ये करना है ना, बदमाश से क्या करते हैं गिरोह होता है जो इस तरह का मैंने कला प्रदर्शित करके क्या मतलब उसे इच्छा मंगवाते हैं है ना, उस तरह से करते हैं। यदि दीक्षांत इस तरह से क्या हो जाएगा अपनी बहन की खोज में बदमाशों के मन ने गिर हटपटों के चक्कर में पड़ गया, जिसके लिए बेचारा को मतलब क्या हो जाएगा मतलब गलत रास्ता उन्होंने पकड़ लिया वो बच्चे, ठीक है। यदि दीक्षांत समारोह के उपरांत विद्या के उपयोग में श्री गणेश होते ही उसकी भेंट पिता के परिचित एक चीनी व्यापारी से हुई। इस तरह से खोजते खोजते वो एक बार दीक्षांत समारोह एक मतलब धर्म के यहाँ पे एक समारोह हो रहा था, वहाँ पर उसे विद्या का है ना उपयोग से श्री गणेश होते मैंने श्री उन्होंने शुरू करना, जैसे भेंट उसके क्या उसके पिता के एक परिचित व्यक्ति है ना व्यापारी था, वो व्यापारी क्या था नहीं होती तो इस साधना से प्राप्त विद्वता का अंत क्या होता यह बताना कठिन था। उस समय ऐसे एक दीक्षांत समारोह चल रहा जिसके उसके पिता के परिचित थे उसके है ना, वो क्या हो जाएगा उनसे एक व्यापारी से मिला और उनका जीवन क्या हो जाएगा उसका जीवन बदल गया है, तो बहुत कठिन था ये बच्चा का क्या होता है ना, इस बच्चे का क्या होता मारुति वर्मा ये सोच रही है। पर संयोग ने उसके जीवन में दिशा को इस प्रकार बदल दिया कि कपड़े की दुकान पर व्यापारी की विद्या सीखने लगा। अब वो बच्चा तो पहले तो बदमाशों के चक्कर में पड़ गया, लेकिन धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आया कि वो बेचारा अच्छी रास्ते पे चलने लगा, उसके पिता के परिचित जो उसके पिता के परिचित थे व्यापारी थे वो भी उनके उनके मतलब परिचित हुई और उससे वो क्या हो जाएगा वो व्यापार करने लगा है ना। अब मैं दुकान पर व्यापारी की विद्या सीखने लगा वो बच्चा। अधिक समझदार होने पर उसने अपनी अभागी बहन को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया पर उसका पता ना पा सका। वो मैंने इतना भी काम करते हुए अपनी बहन को बुला और अपनी बहन को ढूंढने का मैंने पूरा प्रयत्न किया लेकिन उसकी बहन नहीं मिल सकी। ऐसी बालिकाओं को जीवन में खतरे से खाली नहीं रहता, कभी वे मूल्य देकर खरीदी जाती मैं इस तरह से क्या होता है जो बच्चे चले जाते हैं तो कभी क्या होता है कभी यहाँ तो कभी वहाँ उसे मैंने खोजना बहुत ही मुश्किल होती है ना। सुतथाने भी माता के सबोता पुनः विवाह करके किसी को सुखी बनाने के लिए कहीं दूर चली गई। इस प्रकार वो खोज के मार्ग में बंद हो गया। उसकी जो बीमारता थी वो भी क्या करती दूसरी शादी करके वो कहीं दूर जगह वो चली गई, ठीक है, वो भी कहीं चली गई उसकी भी माता। मैंने वो जो व्यापार करने लगा वो व्यापार करते करते अपनी बहन को खोज वो क्या लगा जारी रखा लेकिन उसकी बहन कहीं नहीं मिली है ना, कहीं नहीं मिली। मैंने एक तरह से वो मैंने एकदम बेचारा कभी मतलब जैसे उसकी बहन क्या लगा कहीं चली गई मतलब, ठीक है। और इस तरह से उसका बहन का कहीं पता नहीं चला और उसकी जो सौतेली माँ थी भी माता थी वो क्या हो जाएगा दूसरी शादी करके फिर क्या हो जाएगा दूसरी जगह कहीं चली गई। इस प्रकार दिशा का खोज का मार्ग बंद हो गया, वो बेचारा का जीवन में क्या हो जाएगा छोटा बच्चा बहुत बालक क्या हो जाएगा अंधकार हो गया। इसी बीच में मालिक के काम से चीनी रंगूर आया। रंगून आया है ना। फिर 2 वर्ष कोलकाता में रहा और अन्य साथियों के साथ उसे इस ओर आने का आदेश दिया। मैंने इसी बीच जो उसका मालिक था वो क्या जाएगा काम से रंगून आया है ना। फिर 2 वर्ष कोलकाता में रहा और अपने अन्य साथियों से उसे आने का आदेश दिया। बोला कि चलो तुम अब क्या करो तुम्हें चलो क्या करो चाइना मैंने चीन चलो। यहाँ शहर में एक चीनी जूते वाले के घर ठहरता था और सवेरे 8 से 12 और 2 से 6 बजे तक फेरी लगाकर कपड़े बेचता रहता था। मैंने यहाँ क्या होता था जब वो आता था तो यहाँ पर यहाँ शहर पे एक चीनी जूते वाले के घर ठहरता था और सवेरे 8 से 12 2 से 6 बजे तक फेरी लगाकर कपड़े बेचता था। क्या बोलता था कपड़ा बेचता था। चीनी की 2 इच्छाएं थी। वो जो छोटा बच्चा जो चीनी था
था, है ना, उसे उसके